सब हमरे कारण हो रहा है। कैसी माँ है हम, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अरे तुम्हारे बाबूजी की जगह भगवान ने हमको काय नहीं उठा लिया, काय नहीं उठा लिया। नहीं माँ, ये आप कैसी बात कर रही है। हर कोई अपनी जिंदगी लेकर आता है, बाबूजी भी उतनी जिंदगी लेकर आए थे। यही से तो भगवान जी उनको अपने पास बुला लिया, यही तो कह रहे हैं हम कि भगवान को हमसे कौन सी दुश्मनी थी। अरे अपनी बिटिया को इस हाल में देखने से पहले मर काहे नहीं गए हम, मर काहे नहीं गए हम। नहीं मां, आप ऐसी बात मत कीजिए। बाबूजी कहते थे हर औरत दोहरी जिम्मेदारी उठाती है, एक तरफ ससुराल की जिम्मेदारी तो दूसरा तरफ मायके का चिंता। और आप ये काहे भूल रही है कि हम उनकी पत्नी बाद में पहले घर की बेटी है, और ये घर के प्रति भी हमारा कुछ फर्ज है, हमारा कुछ कर्तव्य है। और आप ही बताइए, हम बेटी का फर्ज कैसे भूल जाए। इस घर में हमारी माँ है, भाई बहन है। अरे हम तो किसी तरह जी लेंगे, भीख मांग कर भी जी लेंगे, लेकिन अपने कारण तुमको संकट में काहे डाले नैना। तुमको अपना फैसला बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा फैसला। को अपने फैसले पर अफसोस नहीं करना चाहिए। हमारा फैसला परिवार के हित में है, और अब हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, चाहे इसका परिणाम जो भी। बेटा पुनीत, तुम यहाँ इतनी रात को? हाँ वो कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो। हाँ ये तो होना ही था बेटा, होना था ये तो। कहा है ना बेटा, ये जो उड़ती चिड़िया है ना, इसको पिंजरे में बंद करके उसके पंख को फड़फड़ाने दो, इसी में पलाई है। ऊपर जहाँ आकाश के ऊपर देखी वो उड़ जाएगी। कहा है ना बेटा कि जिसको पंख फैलाना आता है ना, वो उड़ना जान ही जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं चाचा जी? हम कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं बेटा, आपको समझाना चाह रहे हैं। क्या चाचा जी? हमसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है बेटा, हमको सब मालूम पड़ गया है। नैना यहां आने से मना कर दी है, और आपके लाख समझाने के बावजूद भी वो गाना गाना चाहती है। लेकिन दुख इस बात का है
आपने हमको समझा नहीं। ऐसी बात नहीं है चाचा जी, और रही बात नैना की, तो नैना अभी छोटी है और हम उसकी बेवकूफी की वजह से नाराज हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि नैना समझदार नहीं है। समझदार है? समझदार? वो समझदार नहीं बेटा, वो बहुत ही धूर्त है, बहुत ही धूर्त। आपने उससे प्यार किया, उसके दुख सुख को समझा, और उसने इतनी चालाकी से इस घर में फूट डालने का कोशिश किया। उस लड़की के लिए आपने अपने घर वालों का परवाह ही नहीं किया, हमेशा आपने मन का करते रहे। सामने आपके घर वाले आपको दुश्मन नजर आने लग गए, लेकिन इसलिए तो कहते हैं बेटा कि हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, कायक उनको अनुभव होता है, अनुभवी होते हैं वो। लेकिन अब दोबारा गलती को दोहराने की कोशिश मत करिएगा। रस्सी को ऐसे पकड़ो कि गांठ भी न पड़े और काम भी हो जाए। बेटा, आदमी को हमेशा अपने अतीत से सबक लेना चाहिए, इससे भविष्य जो है ना वो सुधरता है। गुड नाइट। भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। अब देखो ना, सारे के सारे काम खुद ब खुद हुए जा रहे हैं। अपने आप कैसे दे दिया, चिंगारी तो तुम ही लगाई हो। हाँ, आग अपने आप भड़क गया है। हमसे तो ना खुशी संभाले नहीं संभलती। अगर हम हंसेंगे नहीं ना तो हमको दमा हो जाएगा, फिर पूरी जिंदगी अरे देखना दीदिया, इस खुशी में किसी की नजर न लग जाए। और किसी का तो पता नहीं, हमको कहाँ नजर की चिंता है दीदिया। मैं अरे भैया, हम तो मजाक कर रहे हैं। अभी तो तुमने फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखा है, अगर पूरी फिल्म देखते ना तो ऐसा नहीं कहते कि किसी की नजर लग जाएगी। तुम खाली इधर उधर की बात करती हो, पता नहीं रही हो क्या बात है। देखो देखो, सुनने के लिए कितना अधीर हुआ जा रहा है मुआ। बताते कल पुनीत बाबू आए थे ना, बहुत गुस्से में थे और ये विरन चंडी बनी हुई थी। पुनीत बाबू बोले कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम गाओ नैना। नैना मैं चंडी बोली। कौन से फिल्म थी राज कपूर की जिसमें बैजंती माला बोलती थी हो गा हो गा हो गा? क्या बोली, क्या बोली? हम बताते हैं ना, करके बताते हैं। ऐसे खड़े हो गए स्टाइल से, ऐसे बोली हम गाएंगे गाएंगे गाएंगे। अरे भैया, हम बाहर खड़े थे, अरे सुन सुन कर ही खुश हो रहे थे कि अपना तो काम बन गया। मामा जी, जिंदगी
पहले एक बार जान लो दीदिया, हमारी भगनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कह देते हैं परिवार का भला करने चली है, उसका भगवान भी ख्याल रखेगा। तुम कमाई बिटिया, अब से को काम है। क्या काम है भगनी, बताओ पूछो। हमको मुकुल सिंगर का नंबर चाहिए। हाँ, हम आज ही पता करते हैं। वैसे भी वो आजकल बहुत बड़ा सिंगर बन गया है, उसका तो क्या कहते हैं सीडी या कैसेट बाजार में भी आ गया है। अब एक बात और है, वो तो आजकल बड़कर का शो करने असम, पंजाब, हरियाणा, अब मुंबई और मुंबई भी जाने लगा है। हाँ हमको पता है मामा जी, यही से कह रहे हैं कि उनका नंबर जितना जल्दी हो सके पता लगा कि हमको बता दीजिए, और वो भी हमको जानते हैं। ठीक है। बात है दया, इतना खुश काहे दिखाई दे रहे हो, कोनो युद्ध जीत कर आ रहे हो का, बताओ। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए दूल्हा जी, रात भर तो हम सो ही नहीं पाए। क्या बात कर रहे हैं, चेहरे से तो ऐसा फ्रेश लग रहा है जैसे लग रहा है कि सूरजमुखी का फूल होगा। आप भी क्या बात है भाई साहब, अब इतना दिमाग पे जोर काहे डाल रहे हैं। अब कहा है कि तुम बात तो बता नहीं रहे हो, तो दिमाग पर जोर ना पड़ेगा दया। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो बता रहे हैं। खबर ऐसी लेके आए हैं कि आप लोग सुनकर खुश हो जाइएगा। काहे, नैना भी अपने बाप के साथ स्वर्ग सिधार गई का? ना, ये बात नहीं है, बात ही है कि नैना ने गाना गाने का फैसला कर लिया है। अब लड़की इस घर का मान मर्यादा छोड़कर सबके सामने गाने के लिए जा रही है और तुम उसको खुशी का बात बता रहे हो, अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? यही तो खुशी की बात है भाई साहब, पता है आप लोग सुनिएगा तो चौंक जाइएगा, कल रात को हम पुनीत को नैना पर भड़कते हुए देखे, पूरी तरह से गुस्से में था। सुन रहे हैं, इस बार पुनीत उस लड़की के साथ गाएगा ही नहीं, और साथ क्या, इस बार वो पूरी तरह से नैना के विरोध में है। एक बात बताइए भाई साहब, आपने जासूसी करना कब से चालू कर दिया? हाँ तो इसको आप जासूसी कहिएगा? हाँ, जब घर में युद्ध मचा हो तो नजर तो रखनी पड़ती है ना। और एक बात सुनिए, कल पुनीत गया था नैना को गाना गाने से मना करने के लिए, और उसने उसका बात ही नहीं सुना, बात ही नहीं मानी, और तो और उसने इस घर में आने से मना कर दिया। चलो अच्छा हुआ पुनीत को समय पे अकल तो आ गई, और उस चुड़ैल से पीछा छुटने की नौबत भी आ गई। लगता है अब हमारी चाल पर दया भाई साहब की चाल हावी हो जाएगी, ये तो बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। अब आप क्या सोचने लगे दूल्हा जी? हाँ नहीं, हम सोच रहे थे कि पुनीत बाबू के इस तरह करने से नैना के प्रति क्या उनके प्यार में कोई कमी आ जाएगी क्या? हैं? देखिए हमको नहीं लगता है, काहे कि देखिए पुनीत जो है वो ठहरे एक सिंगर, और भाई साहब सिंगर लोग बड़े ही इमोशनल लोग होते हैं, हैं?
नैना ने जहां उनके सामने आकर दो चार बार रोना धोना कर दिया कि पुनीत बाबू का गुस्सा जो है ना वो कपूर की तरह रफू चक्कर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। ठीक कह रहे हैं दुल्हा जी, हमको भी यही लगता है। हम लोगों को उस लड़की को रोकना चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। यही सही वक्त है भाई साहब। उधर वो लड़की उसकी मर्जी के खिलाफ गाना गाएगी और इधर हम पुनीत को उसके नाम काम के खिलाफ भकाएंगे। हमारा खून है और अपना खून कभी दगा नहीं करता। और हमको ये भी पता है कि कब कौन सा नस दबाना है जिससे उसका सीधा असर दिमाग पर पड़े। आप लोग जो है ना चिंता मत करिए, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आज हम लोग को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। कहाँ? स्कूल से निकाल दिया गया? पर काहे? काहे कि पिछले दो महीने से हम लोग का स्कूल का फीस नहीं भरा गया। आज टीचर पूरे क्लास के सामने हम लोग की बेइज्जती की है।